अभी तक आपने ट्विटर पर सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट के आगे ब्लू टिक ही देखा होगा, लेकिन अब ट्विटर अकाउंट 3 रंगों में वेरीफाइड होगा। जी हाँ, ट्विटर पर अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम आखिरकार लॉन्च हो गया है। पहले आपको हर वेरीफाइड अकाउंट के आगे ब्लू टिक दिखाई देता था, लेकिन अब जल्द ही कुछ वेरीफाइड अकाउंट को आपको गोल्डन और ग्रे रंग के दिखाई देंगे। ट्विटर अकाउंट को अब 3 रंगों के साथ वेरीफाइड किया जाएगा। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर का अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद से ही ट्विटर अकाउंट अब 3 रंगों में वेरीफाइड किया जा रहा है। वहीं एलन मस्क ने जानकारी दी है कि अब कंपनियों के वेरीफाइड अकाउंट में गोल्डन टिक होगा। सरकार के लिए वेरीफाइड अकाउंट का टिक ग्रे रंग का होगा, वहीं व्यक्तियों के लिए ब्लू टिक रहेगा। एलन मस्क ने ये भी बताया कि नई ऑटोमेटिक व्यवस्था बनने तक इन अभी सभी अकाउंटों को फिलहाल मैन्युअली वेरीफाइड किया जाएगा। हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन कंपनी के सुरक्षा कर्मचारियों की चेतावनी के बावजूद शुरू कर दिया गया है। एलन मस्क ने इससे पहले 7.99 USD यानी कि 1600 रुपए हर महीने देकर अपना ट्विटर अकाउंट वेरीफाई करवाने की स्कीम की शुरुआत की थी। एलन मस्क के इस फैसले का गलत प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने पैसे देकर फेक अकाउंट को वेरीफाइड करवाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एलन मस्क ने पैसे देकर अकाउंट वेरीफाई करने वाले सिस्टम को बंद कर दिया था। हालांकि अब ट्विटर अकाउंट द्वारा किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के नाम से बने ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।